स्वामी विवेकानंद एक काफी क्रांतिकारी विचारक, या फिर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला अगर कोई विचारक है तो विवेकानंद जो है वो, और इनका कथन है, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। अगर आप वीकनेस फील कर रहे हो, अगर आप जो है वो अपने आप को कमजोर फील कर रहे हो, तो इसका मतलब मृत्यु है। कमजोरी में जीना मृत्यु है, फिर वो जीना नहीं है। सांस ले रहे हो, जैविक रूप से जरूर जीवित हो, सांस जरूर ले रहे हैं, परंतु उसको जीवन जीना नहीं कहते। कमजोरी के अंदर जीवन जो है ना जिया जाए, जीवन सिर्फ और सिर्फ किसका है, सामर्थ्य का जीवन है, शक्ति का जीवन है, शक्तिशाली होकर ही जीवन जो है जिया। अब शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है बॉडी बिल्डिंग करने लग जाओ, तुम कल से जिम ज्वाइन कर लो कि अपने को शक्तिशाली होना है। शक्ति का अर्थ है आंतरिक शक्ति। आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी विल पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये काम तो मेरे को करना ही है और अब इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी छोटी है मेरी विल पावर के सामने कि इनको तो जो है वो मैं धारता ही नहीं, इनको तो मैं देखता ही नहीं कि ये भी कुछ समस्या है। आपकी विल पावर, आपकी आंतरिक शक्ति जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तब जाकर जो है वो कुछ सफलता हम प्राप्त कर सकते।